और एमसीबी जिला में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर होने वाले दो दिवसीय अमृतधारा महोत्सव को लेकर अमृतधारा में जिले के समस्त विभाग के अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। तो इसके साथ ही बता दें कि प्रमुख रूप से क्षेत्र की विधायक रेणुका सिंह बैठक में उपस्थित रही। इस बार महोत्सव 7 मार्च और 8 मार्च को मनाया जा रहा है। इस दौरान विधायक रेणुका सिंह ने कहा कि प्रतिवर्ष होने वाले 2 दिवसीय महोत्सव में विविधता लाया जा सके, इसके लिए स्थानीय जन प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन को मिलकर काम करना होगा, जिससे कि अमृतधारा महोत्सव को धूमधाम से संपन्न कराया जा सके। तो वहीं बैठक के दौरान रेणुका सिंह भी की उपस्थिति में सभी अधिकारियों से महोत्सव में नवचारा के संबंध में चर्चा की गई। वहीं बैठक के दौरान महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही स्थानीय कलाकारों को भी ज्यादा से ज्यादा मौका देने पर बल दिया गया। मैं पहली बार इस क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई हूँ और मेरे लिए भी ये पहला आयोजन होगा। तो पिछले वर्ष किस तरीके से आयोजन हुआ था, इस वर्ष थोड़ा उसमें बदलाव करते हुए नए तरीके से यहाँ पर महोत्सव मनाएंगे और मेला लगेगा, व्यवस्थाओं में सुधार होगा और जैसा लोकल लोग यहाँ पर जो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ी लोगों को ज़्यादा महत्व देना है, तो ये सब पर आज चर्चा हुई है और पहली बैठक है, आगे इसको लेकर और भी बैठकें होंगी। मैं पहली बार